jolt and then you'll die. हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर प्रकाश, हमारे यूट्यूब चैनल फॉर्च्यून इन्फो सॉल्यूशन की तरफ से आपका स्वागत करते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में कुछ नए अपडेट्स के साथ हाजिर हुए हैं और अपडेट है मध्य प्रदेश स्टेट नीट यूजी काउंसलिंग से रिलेटेड। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, मध्य प्रदेश की शेड्यूल आ चुकी है और काउंसलिंग की प्रोसेस स्टार्ट हो चुकी है। और आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि क्या एक्सपेक्टेड कट ऑफ जा सकती है गवर्नमेंट एंड प्राइवेट कॉलेजेस में इस साल 2020 नीट स्टेट नीट यूजी काउंसलिंग के लिए, एमबीबीएस काउंसलिंग के लिए मध्य प्रदेश स्टेट की। तो अगर चैनल पे न्यू हैं, अगर पहली बार हमारी वीडियो देख रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर ले दोस्तों, ताकि आपको इसी टाइप की अपडेट्स हमेशा मिलती रहे ऑन टाइम हमारे यूट्यूब चैनल के साथ। और इसी मैसेज के साथ आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम देखेंगे कि मध्य प्रदेश स्टेट में कितनी गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं और कितनी प्राइवेट कॉलेजेस हैं। इनकी जो सीट मैट्रिक्स है, मध्य प्रदेश स्टेट की जो वैकेंसीज़ हैं वो डिक्लेयर हो चुकी हैं इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे। और जो इनकी गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं उनकी लिस्ट आपको स्क्रीन पर दिख रही होंगी और वो ये हैं। तो दोस्तों, जो प्राइवेट कॉलेजेस हैं मध्य प्रदेश स्टेट में एमबीबीएस के लिए, उनकी लिस्ट आपको दिख रही होंगी स्क्रीन पे और वो ये है। ये तो फ्रेंड्स, मध्य प्रदेश स्टेट में गवर्नमेंट कॉलेजेस के लिए डिफरेंट कैटेगरी में क्या एक्सपेक्टेड कट ऑफ जा सकती है, आइए देखते हैं। जनरल अनरिजर्व्ड कैटेगरी से स्टार्ट करते हैं। जनरल अनरिजर्व्ड कैटेगरी में नीट मार्क्स 550 तक जिन्हें आई है, तो उस मार्क्स तक के रेंज में एक्सपेक्टेड कट ऑफ जा सकती है। अगर किसी की मार्क्स 550 या उससे ज़्यादा है, तो वो अपने आप को सेफ कंसिडर कर सकते हैं कि उन्हें कोई ना कोई गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगी फर्स्ट राउंड ऑफ काउंसलिंग में। फर्स्ट राउंड ऑफ काउंसलिंग की बात कर रहा हूँ, ये जो करेंटली जो राउंड चल रही है, तो उसमें क्या एक्सपेक्टेड कट ऑफ जा सकती है। उसके बाद शेड्यूल कास्ट में 435 नीट मार्क्स, शेड्यूल ट्राइब ST 320, अदर बैकवर्ड कास्ट 535 एंड इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन EWS में 530। तो इन मार्क्स के रेंज, इन मार्क्स तक या इनसे ज़्यादा अगर किसी की मार्क्स है डिफरेंट कैटेगरीज में, तो वो अपने आप को सेफ कंसिडर कर सकते हैं कि फर्स्ट राउंड ऑफ काउंसलिंग में उन्हें कोई ना कोई गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगी। तो फ्रेंड्स, आइए देखते हैं कि प्राइवेट कॉलेजेस में मध्य प्रदेश स्टेट में क्या एक्सपेक्टेड कट ऑफ जा सकती है फर्स्ट राउंड ऑफ काउंसलिंग में। तो जनरल, डिफरेंट कैटेगरी से स्टार्ट करते हैं। जनरल अनरिजर्व्ड कैटेगरी, इसमें 480 मार्क्स या इससे ज़्यादा मार्क्स अगर आते हैं, तो स्टूडेंट अपने आप को सेफ कंसिडर कर सकते हैं, उन्हें किसी भी प्राइवेट कॉलेज में अलॉटमेंट मिल सकती है। शेड्यूल कास्ट में 325 नीट मार्क्स तक अगर किसी को आते हैं या उससे ज़्यादा आते हैं, तो वो अपने आप को सेफ कंसिडर कर सकते हैं। शेड्यूल ट्राइब में 170 मार्क्स या उससे ज़्यादा अगर किसी को आती है, तो वो अपने आप को सेफ कंसिडर कर सकते हैं। और अदर बैकवर्ड कास्ट OBC में 465 मार्क्स अगर किसी को आते हैं नीट मार्क्स या उससे ज़्यादा आते हैं, तो वो अपने आप को सेफ कंसिडर कर सकते हैं। तो दोस्तों, फर्स्ट राउंड ऑफ काउंसलिंग में इतने मार्क्स अगर आपको आते हैं, तो आप अपने, या इससे ज़्यादा आते हैं, तो आप अपने आप को सेफ कंसिडर कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये थी मध्य प्रदेश स्टेट में फर्स्ट राउंड ऑफ काउंसलिंग में क्या एक्सपेक्टेड कट ऑफ जा सकती है डिफरेंट कैटेगरीज में प्राइवेट एंड गवर्नमेंट कॉलेजेस में। और
इस वीडियो में दोस्तों इतनी ही अपडेट्स हैं, अगले वीडियो में कुछ और अपडेट्स के साथ हाजिर होंगे। अगर आपको हमारा ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव, हेल्पफुल, ज्ञानवर्धक और अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक बटन को क्लिक करें, बेल आइकन को क्लिक करें, वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको सारी अपडेट्स ऑन टाइम हमारे यूट्यूब चैनल के थ्रू मिलती रहे। और किसी भी तरीके की इन्फॉर्मेशन, अपडेट, हेल्प, काउंसलिंग गाइडेंस, पेड काउंसलिंग गाइडेंस के लिए स्क्रीन पे दिख रहे इन नंबर्स पे कॉल करें या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए नंबर्स पे ज़रूर कॉल करें। कोई भी हेल्प, कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेरी हो, कॉल ज़रूर करें दोस्तों इन नंबर्स पे। This is Dr. Prakash signing off from official YouTube channel Fortune Info Solution. Thank you.